अस्सलाम वालेकुम, मैं शायदा शेख। आज मैं आपको तलोजा का फेस वन का जो हफ्तावारी पीर का बाज़ार होता है बताने जा रही हूँ। ये शाम में 6 बजे के बाद लगता है और रात में 10:30 तक होता है। ये मैं, मेरे बहू और मेरे मिस्टर, तीनों हम लोग शाम में बाज़ार में निकल पड़े। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो फ्रूट की दुकान गाड़ी पर चले। यहाँ पर हमने आम का रेट निकाला, 150 रुपया किलो थे। किलो में 4 या 5 आम आने वाले थे। यहाँ पर ये पानी पूरी की गाड़ी है, ये चूहे वगैरह की दवाई बेच रहा था, कीड़े मकोड़ों की। छोटे बच्चों के यहाँ पर कपड़े थे। इसी तरह पानी की बॉटलें थी, मैंने पूछा उनसे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये जैसे आप लोगे ऐसे थे। ये छोटे बच्चों के कमीज़ वगैरह थे, ये प्लाजो थे। प्लाजो जो थे वो सस्ते थे ज़रा, 200 रुपये में कॉटन के। कुर्ते भी 200 में थे, मुझे कलर बहुत पसंद आए, मुझे लेना था लेकिन ज़रा मुझे पतले लगाए, लेकिन बहुत अच्छी डिज़ाइन थी उसकी। ये रहे आम, आम वही थे 150-200 रुपये किलो। किलो में मैंने पूछा कितने बैठेंगे, तो बोले साइज़ के हिसाब से अगर आप बड़े हुए तो 4, छोटे रहिए तो 5। ये भुट्टा जो मैंने पूछा तो 50 रुपये के 3 थे भुट्टे। यहाँ पर ये केला लेकर बैठा, ये जो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स, पानी की बॉटल वगैरह यहाँ पर थी। ज़्यादातर बच्चों की, क्योंकि स्कूलें खुली हुई है ना, तो बच्चों की चीज़ यहाँ पर। ये चॉपर थे, चॉपर मैंने पूछा तो चॉपर मुझे उसने 150 रुपये बताया। यहाँ पर ये एप्पल वगैरह सब उसकी गाड़ी लगी हुई थी। ये हरा मसाला लेकर बैठी हुई औरत है। यहाँ पर भी आम है, आम तो बाहर जगह थे लेकिन रेट वही था। ये ज़रा आम बड़े थे इसलिए किलो में ये सिर्फ 4 बैठने वाले थे, वही हिसाब था उसका, 150 रुपये किलो। रश बहुत था, चलने नहीं मिल रहा था, बहुत गर्दी थी। ये छतरियाँ थी यहाँ पर लेकर खड़ा था। ये जो फिनल वगैरह इस्तेमाल करते बाथरूम में वो थे 100 रुपये में 3 बॉटल अलग अलग तरह के। यहाँ पर वड़े वगैरह बना रहे थे। ये चप्पलें थी, चप्पलें मैंने पूछी तो 150 रुपये, 200 रुपये रेट था। ये रेनकोट है बच्चों का, क्योंकि बारिश का सीज़न है ना, तो स्कूल में बच्चों को लगता है तो ज़्यादा ये लोग खरीद रहे थे रेनकोट वगैरह बच्चों के। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर ये देखो बारिश के तमाम बच्चों के चप्पल जूते वगैरह है। ये मैंने रेट नहीं पूछा क्योंकि रश था, छोटे बच्चों के थे। इसी तरह यहाँ पर स्टील के चम्मच थे, एक चम्मच 100 रुपये में, कोई भी लो। अच्छे जाड़े चम्मच थे, एक चम्मच की कीमत 100 रुपया, कोई भी लो। उसी तरह यहाँ पर ये क्लिप वगैरह थे, कंगई थे, लोग क्लिप खरीद रहे थे। कट पीस जो है 60 रुपया मीटर थे, बहुत अच्छे थे। मुझे एक कट पीस चाहिए था अपने टीवी के लिए तो मैं वो देख रही थी। बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन की लोग खरीदते, उसके कमीज़ वगैरह बनाते, कुर्ते वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर देखो बहुत अच्छे अच्छे रंग में थे, मुझे कॉटन में चाहिए था मेरे टीवी पर डालने के लिए। ये तमाम कट पीस के यहाँ पर लगे हुए थे टुकड़े, कोई भी लो 60 रुपये, कोई 80 रुपये में भी था। यहाँ पर ये मुझे बहुत पसंद आया अपने टीवी के लिए, लेकिन वो सिलिक में था, वो टीवी पे रहेगा नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया। मुझे कलर बहुत पसंद आया था यहाँ पर इसका। ये वाइड में जरा था लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा डार्क लगा, और धोने के बाद उसको ब्रश नहीं मार सकते थे इसलिए मुझे, मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया। ये सब किचन में इस्तेमाल वाली प्लास्टिक की चीज़ें थी, हर तरह की चीज़ें थी बाज़ार में। यहाँ पर ये कंगई वगैरह थे, मैंने यहाँ से एक कंगई खरीदी 10 रुपये में, और मेमबत्ती भी है देखो सामने, 10 रुपये में और 20 रुपये में कंगई थे। मैंने 20 वाली ज़रा जाड़ी थी वो कंगई खरीदी, क्योंकि जो 10 वाली थी ना ज़रा पतली थी, अच्छी थी कंगई। हर तरह की बाज़ार में चीज़ें थी, कोई भी चीज़ हो आप यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से हम अब आगे बढ़े, यहाँ पर देखो ये बच्चों के क्लिप वगैरह, धागे वगैरह थे, रबर बैंड थे, ये बच्चों के निकर वगैरह थे, ये सब क्लिप हैं। ये बैग मैंने पूछा तो मुझे 250 रुपये बताया उसने, लेकिन उसका बंद ज़रा मजबूत नहीं था क्योंकि ज़्यादा लोड होगा तो बंद टूट जाएगा, ऐसे ऐसे कंडीशन में था वो। तो तमाम चीज़ें, बच्चों की किताबें वगैरह, स्कूल खुली है ना, ये रुमाल लेडीज़ और जेंट्स के थे।
रुमाल अच्छे थे, डजन के हिसाब से थे, यहाँ पर धागे वगैरह थे रंग बिरंगी। ये बैग मुझे पसंद आया, मैंने पूछा 150 रुपये बताया तो। इसकी चैन भी ज़रा बराबर नहीं थी, चैन एकदम नाजुक थी, ज़रा सा भी ज़ोर से करेंगे टूटने के बराबर थी, लेकिन बैग अच्छा मजबूत था लेकिन चैन ज़रा बराबर नहीं थी, इसलिए इसे भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये मैक्सियाँ थी यहाँ पर गाउन 200 रुपये में, देखिए यहाँ पर नाइटी, हर कोई भी नाइटी लो 200 रुपये, कॉटन में थे, तमाम कॉटन में थे, अच्छे थे। यहाँ पर बैंगल्स थे, अंगूठी थी, चैन, मैंने ये अंगूठी पूछा तो उसने 20 रुपये बताया, कोई भी अंगूठी लो 20 रुपये। और इसी तरह यहाँ पर कान के भी थे खूबसूरत खूबसूरत, तो मैंने एक कान का जरा छोटे से थे मैंने पूछा उससे तो बताया उसने 50 रुपये, ये रहे छोटे कान के थे 50 रुपये। यहाँ पर बर्तन थे, ये बर्तन मुझे थालियाँ लेनी थी तो मैंने चाचा से पूछा, चाचा बिजी थे बहुत क्योंकि गर्दी थी और वो सामान लगाने में लगे हुए थे, तो उन्होंने हमें जर्मन की थालियाँ मुझे चाहिए थी, मुझे बताया क्योंकि फ्रिज में जो छोटी डेगचा होती ना उस पर ढकने के लिए मेरे पास थालियाँ नहीं थे, तो यहाँ पर ये थालियाँ मुझे बताए। तो छोटी थाली जो थी साइज़ के हिसाब से उसका रेट था, छोटी 20 रुपये, उससे बड़ी 30 रुपये, जैसे जैसे साइज़ के हिसाब से उसके रेट थे, जो डेगचियाँ हैं उसमें ये छोटे छोटे थालियाँ। मैंने भी थालियाँ खरीदी लेकिन स्टील में, क्योंकि ये मुझे था जर्मन में पतले लगे, मैंने स्टील में लिए, वही 20 रुपये 30 रुपये। यहाँ से अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ये तमाम जो है यहाँ पर पापड़ वगैरह थे, फ्राई की चीज़ें, तो हमने यहाँ से चावल के पापड़ खरीदे, दो तरह के पापड़ थे, एक मसाले वाले और एक बगैर मसाले के, हमने मसाले वाले पापड़ खरीदे 20 रुपये। उसके बाद यहाँ पर तमाम बड़ी सोप वगैरह थे जो पान में यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिक की तमाम चीज़ें हैं। ये हरी मिर्ची लेकर बैठी हुई थी, गावटी बहुत तेज़ होती है, यहाँ पर भी आम वही हिसाब से 150 के हिसाब से थे और किलो में वही 5 बैठ रहे थे। ये तमाम मसाले थे। ये प्याज थी, प्याज मैंने पूछी 30 रुपया किलो, और लहसुन जो है एक जो है 200 रुपया किलो और एक 250 रुपया किलो, लहसुन ज़रा महंगे थे। आलू की कीमत मैंने नहीं पूछी, आलू भी थे। अब यहाँ से ये भाजी का सेक्शन शुरू हो गया है, ये जो है चौलाई की भाजी है 20 रुपया एक पेंडी। यहाँ पर ये टेनली थी, दो तरह की टेनली, ये बड़ी और ये छोटी, हमने छोटी टेनली खरीदे, ये टेनली जो है 80 रुपया किलो थी, हमने आधा किलो 40 रुपये के खरीदे। पहले मैंने इसे चेक कर, लेकिन कभी कभी कड़ू होती है ना, ये फ्रूट्स था, फ्रूट्स है यहाँ पर, अनार एप्पल। चिक्कू लोग यहाँ पर फ्रूट खरीद रहे थे, हमने भी यहाँ से केले लिए। ये चॉपर वगैरह पानी की बॉटल थी यहाँ पर, ये पानी की बॉटल 150-150 रुपये में थे और ये सस्ते थे 50 रुपये। छतरियाँ थी, दो तरह की थी, एक 200 वाली और 250 वाली। 200 वाली बच्चों के खिलौने, 200 वाली ज़रा नाजुक थी, 250 वाली ज़रा मजबूत थी। यहाँ पर देखो ये तमाम बाथरूम वगैरह में इस्तेमाल होने वाले ब्रश वगैरह थे। झाड़ू थी, मैंने झाड़ू पूछा तो 120-100 रुपये में देने के लिए तैयार था, लेकिन वो नाजुक थी। यहाँ पर तमाम बच्चों के टॉप्स वगैरह कान में पहनने के लिए थे 50-50 रुपये वाले। आम हमने आम खरीदे 125 किलो 100 रुपये में, अच्छे काफ़ी हमने खाकर देखे, बहुत मीठे थे। यहाँ पर ये शोरूम है बड़े बड़े कपड़े के, और मैंने देखा तो वहाँ पर सेल लिखा हुआ था, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे क्योंकि बहुत रश था, वहाँ नहीं गए हम, सेल ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पर। ये देखिए Top 10 बहुत बड़े बड़े शोरूम है अच्छे कपड़े के, और यहाँ पर ये सब तमाम मिट्टी के बर्तन वगैरह थे, पैसों का गल्ला वगैरह बच्चों के लिए, तमाम मिट्टी की चीज़ें थी, पानी के मटके वगैरह, हंडियाँ। यहाँ पर ये स्टैंड था कांच का, इसकी कीमत इसने 150 रुपये बताया, हमें कुरान के लिए रखने के लिए चाहिए था लेकिन नाजुक था। ये तमाम प्लास्टिक के यहाँ पर बर्तन हैं। यहाँ पर अब ये जो है लेडीज़ और जेंट्स की अंगूठियाँ थे, जैसे आप लोगे वैसे, और ये कान के टॉप्स थे 50-50 रुपये में। तो मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।